बंदा कह रहा है मैं इंसुलिन रिवर्सल कोर्स में हूं, मेरा जी इलाज चल रहा है कि इंसुलिन छोड़ दें, वो लेगा नहीं, आप देख देख लीजिए। इन वही लोग भी तो वही ठीक से तो हैंडल नहीं मैं कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं इंसुलिन बिल्कुल है तो एग्जैक्टली कहते ठीक है चले आज चले अभी लगा देते हैं इंसुलिन। केजरीवाल का तिहाड़ की जेल की दीवार कूद के ना भाग जाए तो कहिएगा, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, उसे वो वही खुद बात छोड़ के है बैठा है इंसुलिन, वो इंसुलिन रिवर्सल जी कोर्स जी पे है। वो नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मुझे आपसे बात करनी है अरविंद केजरीवाल के शुगर और इंसुलिन पर जो राजनीति हो रही है, यानी कि बीमारी का जो शर्मनाक प्रदर्शन किया जा रहा है इस समय, और उसकी आड़ में जो गंदी राजनीति की जा रही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ आपसे। लेकिन एक और आपसे बात शेयर करनी है मुझे। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के शहजादे को वायनाड से उनके साथ क्या होने वाला है उसका उन्होंने एक भविष्य दिखाया था, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि शायद वो मूवी ना दिखा पाए किसी को। दरअसल वायनाड में कांग्रेस पार्टी को शनिवार में उस समय बड़ा झटका लगता है जब जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि वर्तमान सांसद और वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पार्टी के जिला नेताओं के पहुंच से बाहर है। अगर उन्होंने ये कहा कि अगर वो मेरे लिए मेरी अप्रोच से बाहर है, तो एक आम आदमी की कल्पना कीजिए, 5 साल उन्होंने एक बार भी किसी को दर्शन नहीं दिए। अगर हम एक और कार्यकाल उनको देते हैं तो ये वायनाड के विकास की संभावनाओं को नष्ट कर देगा। यानी कि 5 साल उनको दे करके अब वो ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती की है। और अगर अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि गांधी परिवार के शहजादे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब मैं बात करती हूँ केजरीवाल के शुगर की, इंसुलिन की और उनके डाइट के जो ड्रामा चल रहा है। दरअसल कांग्रेस की बात मैंने क्यों की है ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा। तिहाड़ के अफसरों ने शनिवार को, अप्रैल को, 20 अप्रैल को ये उन्होंने कहा कि केजरीवाल जेल से आने के बाद से ही उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। अब केजरीवाल सामान्य एंटी डायबिटिक जो है दवाई खा रहे हैं जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं। ये रिपोर्ट उपराज्यपाल वी के सक्सेना को सौंपी गई है। आप जानते हैं कि उन्होंने भी उनकी हेल्थ को लेकर के चिंता जताई थी, आई मीन केजरीवाल की हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ये सारे नेता उन पे चढ़े हुए थे, वी के सक्सेना पे, कि उनको पता नहीं मार दिया जाएगा जेल में। तो उन्होंने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मंगवाई थी और रिपोर्ट वो आज उनको सौंपी गई है। और तिहाड़ जेल ने दिल्ली के मंत्री आतिशी के बयान के बाद ये जवाब दिया है। आतिशी ने, आपको याद होगा कि कहा था कि भाजपा के इशारे पर केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश हो रही है। अरे भाई, जेल आपकी, आपके मंत्री उसको देख रहे हैं तो कौन मार सकता है। और ये जो एक ड्रामा कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, ये एक उनका डायवर्जन प्लान है। कहा तो हम बात कर रहे थे उनसे इस्तीफा लेने की, जेल में सरकार नहीं चलेगी, और अब अचानक से इसमें इंसुलिन आ गई है। और इंसुलिन की ज्यादा डोज, यानी कि 2 मिनट में आदमी जो है एकदम से खत्म हो जाता है और वो कोमा में भी जा सकता है। अब अरविंद केजरीवाल 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन तिहाड़ में जाकर के उन्होंने इंसुलिन बंद कर दी। क्यों क्यों बंद कर दी, ये सवाल सोचने का है ना। क्योंकि उन्हें ये डर होगा, एक तो खाना घर से खा रहे हैं कि जेल में उन्हें कोई जहर ना दे दे, जबकि उनकी पत्नी ही उनको जहर दे रही है, आम दे रही है, हलवा दे रही है, पूड़ी दे रही है, फ्रूट्स दे रही है, आलू की सब्जी दे रही है डेली, ये सब तो जहर है ना अरविंद केजरीवाल के लिए। अच्छा, आतिशी ने शनिवार को तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के 12 से लेकर के 17 तारीख तक की शुगर का जो उनका चार्ट है
वो भी शेयर किया, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। और आतिशी ने ये भी कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। अब केजरीवाल इतने शातिर हैं, उन्हें पता है कि इंसुलिन का डोज अगर जरा भी इधर उधर हो गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। और ये आतिशी मार लेना क्या कह रही है कि उनको मल्टीपल ऑर्गेन जो है उनके फेलियर हो सकते हैं, जो वो कर रहे हैं उससे जरूर होंगे। मैं उनकी हेल्थ को लेकर के कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो उनको महंगा पड़ेगा। अब आपको मैं उनका रिपोर्ट भी दिखाना चाहती हूँ, जस्ट ए मोमेंट, मैं आपको उनका रिपोर्ट भी दिखाती हूँ। चलिए रिपोर्ट शायद मुझको मिल नहीं रहा है, आई एम सॉरी। लेकिन आप ये देखिए कि इस समय क्या हो रहा है, नेशनल टीवी क्या दिखा रहा है, केजरीवाल का डाइट चार्ट, केजरीवाल की इंसुलिन। अब आप हम सब वो एक खास मुद्दा भूल गए हैं जो जिस पे चर्चा की जानी चाहिए थी, कि वो जेल से सरकार नहीं चलाएंगे, वो इस्तीफा देंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से उन्होंने नौ संबंध से इतना स्पैन ले लिया था, एंड अब वो यही कर रहे हैं। ये जो उनका इंसुलिन डाइट ड्रामा ये जो चल रहा है ना, ये सब जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, ताकि जो शराब घोटाला है, जो इस्तीफे की बात है, उस पर कोई बात ना करे। दरअसल मेरे साथ आज प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जुड़े थे एक प्रोग्राम के लिए, तो उसका मैं कुछ अंश आपको दिखाना चाहूँगी। आप जरा उनको देखिए कि उन्होंने क्या कहा है, तब आप असलियत समझेंगे। अनुपम जी, कांग्रेस ने दिल्ली में नगर निगम महापौर चुनाव में आपके उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात की है, तो कांग्रेस मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि अपने कौन से वाले लेवल पे जाकर के ये अपने लिए जमीन तलाश कर रही है, क्या लगता है आपको उनके इस निर्णय पे, इस फैसले पे? बहुत अफसोस होता है। एक YouTube चैनल है मेरा घूमता आईना, व्यूअर्स चाहें तो उसे देख सकते हैं, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, मैंने कई शॉर्ट्स बनाए हैं इस पे। कांग्रेस के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कहा गोल्डन के पास सुनहरा मौका था दिल्ली और पंजाब में अपनी जमीन वापस लेने का, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब। कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते, या कम्युनल ग्राउंड पे नहीं करना चाहते, या लिबरल ग्राउंड पे नहीं करना चाहते, या वो ग्राउंड पे जिस भी ग्राउंड पे वोट नहीं करना चाहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ा है। गुजरात में जाके आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, 14% वोट पाती है, और सोचिए मनिंदर जी 14% वोट कांग्रेस का कम हो जाता है, भाजपा होता ही रहता है, तो पूरा का पूरा वो आपका आपका वोट निकाल लेते हैं। ये मौका था अच्छा, जिस समय केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसी समय सुप्रिया श्रीने से लेके पवन खेड़ा से लेके तमाम कांग्रेसी नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पे चलने लगे, जहां वो कह रहे थे केजरीवाल भ्रष्ट है और उसके खिलाफ जांच हम ही ने करवाई है, हमने शराब घोटाला खोला है। तो साहब आपने शराब घोटाला खोला है और गिरफ्तारी हो रही है तो आप उसके साथ खड़े हो गए, क्या हो गया? यही मौका था कि आप अगर उसके साथ नहीं खड़े हुए होते तो केजरीवाल खत्म होता और आपको अपनी जगह दिल्ली में भी वापस मिलती और पंजाब में भी मिलती, पर आप खड़े ही नहीं हुए। पहली बार बहुत दिन बाद ऐसी रैली देखी गई जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों मौजूद। ये ऐसा संकोच नहीं कहने की केजरीवाल फ्रॉड है, मैं किसी लीगल कार्रवाई से नहीं, मैंने 100 से ज्यादा डिफेमेशन केसेस झेले, मैंने कंटेंप्ट केसेस झेले, कंटेंप्ट में सजा हुई है मुझे कंटेंप्ट, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है केजरीवाल इज अ फ्रॉड, पार्टी ही फ्रॉड है। नॉर्मली लोग देखिए ना, आपने बात की करते जी जी बिल्कुल, आपने
रैली की बात की है तो रांची में एक रैली होने जा रही है, न्याय रैली। उसमें मैं पोस्टर देख रही थी, एक तरफ केजरीवाल का फोटो है, एक तरफ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का फोटो है। ये रैली कल होने जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें फिर वही सीन बनेगा? आप देखिए, हेमंत सोरेन की आपने याद दिखा दी, पर मनिंदर जी सोचिए, रोज पूरे भारत की मीडिया में केजरीवाल छाए हुए हैं। लोग भूल भी गए एक और मुख्यमंत्री जेल में, जी लोग जी भूल गए कि हेमंत सोरेन भी जेल में है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हेमंत सोरेन ने कुछ शराफत बाकी थी, बंदा इस्तीफा देके जेल गया। जी केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। अब केजरीवाल ने रोज एक ड्रामा इसलिए शुरू कर दिया है कि आप देखिए, रोज इसी ड्रामे में अब लोगों ने उनका इस्तीफा मांगना बंद कर दिया। लोग भूल गए कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे। जी आप कहते हैं कि साहब हमको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। दो बातें, पहली बात तो तिहाड़ जेल के मालिक आप हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर में आती है, सौरभ भारद्वाज उसके मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। पिछली बार आपने देखा कि किस तरह सत्येंद्र जैन वहां पे हाथ पैर दबवाते थे और 5-स्टार होटल का खाना खाते थे। तो ये आपने ड्रामा शुरू किया, तिहाड़ जेल ने आज रिपोर्ट दिया कि साहब इन्होंने इंसुलिन खुद छोड़ रखी है। तो बंदा अंदर कह रहा है मैं इंसुलिन नहीं लेकर, वो बाहर आतिशी कह रही कि भगत सिंह को फांसी दी जा रही। क्या तमाशा है? उसके बाद ये भी एक रिपोर्ट आई साहब की, तो केजरीवाल को जो खाना, कोर्ट ने कहा यह बात कि केजरीवाल को जो खाना तय हुआ था उससे हट के खाना क्यों जा रहा है, तो कौन भेज रहा है साहब? सुनीता केजरीवाल। मीम बन रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, मजा ले रहे हैं। लेकिन तमाशों के बादशाह है सर, बादशाह है तमाशों। मतलब आप कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना दिया, और आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मेरे बच्चे तो नोएडा प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, इन स्कूल में नहीं जाएंगे। फिर आरटीआई डाली जाती, पता चलता आपने अपने जीवन में एक स्कूल भी नहीं बनाया, नॉट इवन वन। 2009 एक स्कूल नहीं बनाया इन्होंने। जो पुराने स्कूल थे उसको ठोक पीट के काम चला रहे हो, कंटेनर में स्कूल चला रहे, टीन के कंटेनर में स्कूल चला रहे हैं, उसको वर्ल्ड क्लास स्कूल कह रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ व्यवस्था बना दी। पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें मनिंदर जी कि दिल्ली में जितने अस्पतालों के आप नाम सुनते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, ये सब केंद्र सरकार के अधीन है। इनमें से एक भी सरकार राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का नहीं है। आपने आज तक एक अस्पताल नहीं बनाया और कहते हैं साहब हम तो वर्ल्ड क्लास, हमारी हेल्थ सर्विस है। उसके बाद आपका एक सांसद इंग्लैंड चला जाता है इलाज कराने, दूसरी स्वाति माल अमेरिका चली जाती, तो कैसी वर्ल्ड क्लास सर्विस है यार? आपकी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सर्विस है और आपके एजुकेशन मंत्री कहते हैं मैं उसमें अपना बच्चा नहीं पढ़ाऊंगा। आपकी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस है, आपके सांसद इलाज के बारे में बाहर चले जाते हैं। एक स्कूल आपने बनाया नहीं, एक अस्पताल आपने बनाया नहीं, बनाया आपने एक शीश महल जिसपे आप अपने बच्चे से मशीनें लगवा के उनको 10 लाख रुपए का किराया देते हैं। बनाया आपने शीश महल जिसमें आपने हर तरह का भ्रष्टाचार कर डाला। कमाल है ये आदमी। अनुपम जी, एक टेक्निकल सवाल आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि इंसुलिन की बात हुई है, अब इंसुलिन पे ये जोर दे रहे हैं, आपको पता ही होगा कि इंसुलिन का जरा से भी डोज अगर ज्यादा हो गई तो बंदे को 2 मिनट लगते हैं डाउन होने में, कोमा में चला जाएगा। तो अगर इंसुलिन देनी शुरू कर दी तो फिर ये सीन हो जाएगा, फिर ये ड्रामा चलेगा कि इंसुलिन से हमको मार दिया। अरे साहब वो लेगा नहीं, बंदा कह रहा है मैं इंसुलिन रिवर्सल कोर्स में हूं, मेरा इलाज चल रहा है कि इंसुलिन छोड़ दें। वो लेगा नहीं, आप देखे देख लीजिए, इन लोग भी तो ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं इंसुलिन है तो कहते ठीक है, चले आज चले अभी लगा देते इंसुलिन। केजरीवाल का तिहाड़ की जेल की दीवार कूद के ना भाग जाए तो कहिएगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, उसे वो खुद छोड़ के बैठा है इंसुलिन, वो इंसुलिन रिवर्सल कोर्स पे। वो नाटक इसीलिए कर रहा है कि इंसुलिन इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन अगर वो जेल वाले लोगों से उसने लगवा ली और जरा सा भी उसका अप एंड डाउन हो गया, साहब वो लगवाएगा ही नहीं, लगाना संभव ही नहीं है। वो जेल में इंसुलिन इसलिए लगी कि कोर्ट को बताया गया कि केजरीवाल ने खुद जेल एडमिनिस्ट्रेशन और जेल डॉक्टर से कहा कि साहब मैं इंसुलिन नहीं लूंगा क्योंकि मैं इंसुलिन छोड़ने के कोर्स पे हूँ। देखिए मनिंदर जी, सारा नाटक अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है।
मैं बार बार कहता हूं कि गुजरात चुनाव के बाद केजरीवाल ने 3 विधानसभा चुनाव लड़े और तीनों में उनको नोटा से कम वोट मिले, तो केजरीवाल का पहले से ढलान पे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। अभी मैं बैठा था वहां पे शो पे बात हो रही थी कि साहब लालू को जब गिरफ्तार किया था तो इंडियन आर्मी को अलर्ट पे डाला था, पता नहीं क्या विद्रोह हो गया। केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया तो पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ी, सादी वर्दी में ईडी वाले जाए उठा ला। आप सोचिए, और एक पत्ता नहीं खाका, सुनामी आ जाएगी सुनामी आ जाएगी, एक पत्ता नहीं खाका ना पंजाब में ना दिल्ली में। तो साहब हो गया, काट की हांडी जितनी बार चढ़ सकती थी मनिंदर जी चढ़ चुकी, अब हांडी जलने के समय आ गया। लेकिन अब इनका जी ये जो डाइट वाला ड्रामा है, ये इसका एंड तो मुझे लग रहा है बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि इंसुलिन पे फोकस ये कर रहे हैं। 22 तारीख को फैसला है, 22 को फैसला है, 22 को दिल्ली कोर्ट इस पे फैसला देगी। दिल्ली कोर्ट ने आज कहा है कि मैंने देखा है कि जो इनकी डाइट चार्ट है उससे अलग इनको खाना भेज रही है मैडम केजरीवाल, 22 को फैसला है, इससे भी क्लियर हो जाएगा। आपने पहला ड्रामा किया कि संबंध गैर कानूनी है, बाद में पता चला संबंध, कोर्ट ने कहा संबंध कानूनी है, फिर आपने कहा सब संबंध तो हम जाएंगे हमको गिरफ्तार ना करें, कोर्ट ने कहा नहीं हम आपको ये छूट भी देने को नहीं तैयार हैं, फिर आपने कहा कि साहब हमारी अरेस्ट ही गैर कानूनी है, कोर्ट ने कहा अरेस्ट भी कानूनी है, हाई कोर्ट ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, फिर आपने कहा कि साहब हमारी तबीयत खराब हो रही है, कोर्ट ने कहा आम खा रहे हैं साहब आम खा रहे हैं, फिर आपने कहा कि हमको इंसुलिन चाहिए तो तिहाड़ को तिहाड़ जेल ने बताया साहब खुद ही इंसुलिन बना करके बैठे, 22 को इस पे भी फैसला आ जाएगा। लेकिन एक बात है ना कि इतनी बार झूठ बोले, इतना झूठ, देखिए महेंद्र जी मैं थोड़ा राजनीति से हट के एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कभी कभी ऐसे, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो ऐसे मजाक में आपस में लड़के लोग बात करते थे कि साहब ये जो ये गीता पे हाथ रख के कसम दिलाते हैं पॉलिटिशियन को, तो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम देना है तो कम से कम कुछ तो इनको संकोच होगा, तब तो डरेंगे। केजरीवाल ने तो वो भी कर डाला, वो भी क्या हुआ, बच्चों की कसम खा के झूठ बोल दी। आप सोचिए जरा से, मतलब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका वही हो सकता जो हो रहा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो नैतिकता की बात हम कहते हैं कि वो रिजाइन क्यों नहीं किए हैं, तो ऐसे इंसान से आप नैतिकता की क्या उम्मीद करते हैं? केजरीवाल के लिए नैतिकता की बात करना ही मेरे ख्याल से मजाक है महेंद्र जी, और मुझे लगता है कि कम से कम इनके ऊपर एक कानून तो अलग से बनाया जाना चाहिए कि अपने आप को शहीद, भगत सिंह, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्रामी, ये सब कहना बंद करें, ये सब सुनने में बहुत भद्दा और बहुत ही बुरा लगता है। आज भी आतिशी मार लेना कह रही थी कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ किया जाता था, जैसे भगत सिंह के साथ किया जाता था, वैसे इनके साथ। क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो तुम, किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? केजरीवाल भगत सिंह है, भगत सिंह भ्रष्टाचार में नहीं जेल गए थे, भगत सिंह रिश्वत लेने में नहीं। अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, वो मर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, ब्ला ब्ला, उन सब चीजों का आप क्या क्या कमेंट करते हैं उनपे? मतलब झूठ इतना कि अमानतुल्ला गिरफ्तार नहीं हुआ, इनकी स्ट्रेटजी देखिए, दे आर सच ए मतलब डिस्कस्टिंग पार्टी के, उसका एक वीडियो पहले बना के रखा हुआ था, ये प्री प्लान्ड होगा ना, और उसको फिर उन्होंने चला दिया जबकि उसकी पूछताछ हो रही है, उसके बाद वो फिर एक अपना वीडियो घर जा करके चलाता है, तो इनका झूठ झूठ पे झूठ, क्या कहते हैं आप? क्या कहा जा सकता है भाई, मतलब इन लोग का तो एकदम बुरा हाल है। लेकिन एक बात मैं दूसरी कहूंगा, इसमें एक पॉजिटिव चीज भी है, अब इनका गेम लोगों को समझ में आने लगा। मैं बार बार कहता हूँ केजरीवाल की गिरफ्तारी पे लोगों का बाहर ना निकलना, ये अपने आप में बाकी लोगों को छोड़िए मनिंदर जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी चौंका गया। उनसे आप अलग से बात, देखें अगर एक जांच हो रही है, उस जांच में जो आदमी मेन अक्यूज्ड है, अगर वो हमारा आपका नाम भी लेते फिर पुलिस को हमसे आपसे पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। अब तो भाई उनकी भी पूछताछ शुरू हो गई, पूछताछ भी शुरू हो गई, अभी अंदर भी आएंगे,
अब उनको भी मालूम है कि साहब हमारे गिने चुने दिन हैं, जितना हल्ला मचाना है वो मचा लो। लेकिन इसका संदेश बहुत गंदा गया है, संदेश आम आदमी पार्टी में बहुत गंदा गया है कि साहब इन जिनको हम नेता मानते थे ये तो अपने ही नेताओं को, अपने ही लीडर्स को फंसा देते, तो जब वो उनके नहीं हुए तो किसके होंगे। सही कहा आपने, और आप खुद भी जानते हैं, आपका थोड़ा बहुत साथ रहा है उनके साथ, तो आप बखूबी जानते हैं कि मैं कोई साथ वात नहीं रहा है, मैंने पैसे भेजे उनको एक साल तक मतलब उसका अफसोस इन मुझे वन आज में तक आपने सपोर्ट किया इन वन में आपने सपोर्ट मतलब किया ना। अच्छा, मुझे बनिंदर जी लगता था ना कि राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति बदल देंगे, जी तो राजनीति उन्होंने बदली तो जरूर, लेकिन जिस गटर में डाल दी उसकी मुझे उम्मीद नहीं। जी जी वही वही मेरा मतलब था, लास्ट शो में हमने ये बात की थी ना कि आपने उनको सपोर्ट किया इन एनी वे, लेकिन एक बार तो आदमी साथ खड़ा होता ही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। अनुपम जी, आपने मेरे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बल्कि केजरीवाल को लेकर के आप दिल से बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, मैं हर इशू पे दिल से बोलता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, और इट वाज अ प्लेजर कमिंग हियर। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय थैंक्स।